मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मिर्जापुर से। थाना पडरी क्षेत्र के हल्का गांव में दो भाइयों के आपसी विवाद में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की पत्नी को रॉड से सिर पर मारने से उर्मिला देवी की मौत हो गई, जिसके तत्पश्चात थाना पडरी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, जिसे देखकर घर वालों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। देखिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सेवा शंकर, अच्छा क्या घटना हुई थी? हमारे बहन की जो है राड से मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? हमारी बहन की जेठ थे। क्या नाम था? सुभाष मौर्य। अच्छा, और उनकी औरत भी थी उसी साथ में, और उसकी बहू भी थी साथ में, उसके बेटे भी साथ में। और आज 6 दिन हो गया घटना हुई, और मेरी बहन की भी मृत्यु हुए, आज 3 दिन हो गया। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है, सिर्फ एक जो है कि आरोपी पकड़ा गया है। और बाकी आरोपी के लिए क्या कहा जा रहा है? बाकी आरोपी के लिए आश्वासन दे करके हम लोगों को आते हैं जाते हैं भेज देते हैं। क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है किसी का? मालूम नहीं किसके दबाव में काम कर रही है, आश्वासन सिर्फ देते हैं पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन कोई कार्य। आज आप लोग थाने पे आए थे, क्या कहा गया? आज आए थे जो है तो बोले कि चलो अभी कार्रवाई हो रही है, फिर हम लोगों को भेज दे रहे हैं कि कागज जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल में पर्ची बनवाने को लेकर अस्पताल के कर्मचारी से हुआ विवाद, मामले को पुलिस के द्वारा समझा बुझाकर शांत कराया गया। मिर्जापुर के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नारघाट कोटघाट मोहल्ला वासियों के द्वारा उनके कॉलोनी में बिक्री कर वाणिज्य कर कार्यालय खोले जाने के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये रिहायशी कॉलोनी रहने गई है, और यहाँ पे सुबह 6 बजे से 5 बजे से व्यापार के लिए गाड़ियाँ आकर के लग जाती हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत परेशानी है। हर आदमी व्यापार कर रहा है यहाँ पे। ये रिहायशी कॉलोनी थी, पूरी तरह से कॉमर्शियल हो गई, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को 12 बजे 1 बजे 2:30 बजे जितने बजे आप उठेंगे, ट्रक की आवाज़ गाड़ी की आवाज़, और हर तरह से कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग हर तरह से परेशान हो गए हैं। बच्चों के बाद जी जी, और मेन जो है कि ये आ गया है यहाँ पे इनकम सर्टेक्स ऑफिस, इससे हम लोगों को और परेशानी होगी। भैया हम लोग जॉब वाले हैं, सुबह निकलना है, बच्चों को लेने जाना है, शाम को 7 बजे 8 बजे निश्चिंत होकर के हम लोग चले आते हैं। इससे हम सर्टेक्स ऑफिस आपके मोहल्ले में आ रहा है? जी जी जी। ऐसी सूचना आप लोग को मिली है? जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ना हम लोग यहाँ ये चाहते हैं कि ना आए, और पूरी तरह से ये धीरे भी यहाँ कॉमर्शियल इसको हटा दिया जाए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज नॉट करेक्ट ना। अब एक बाइट और कराओगे तो यहाँ 50 तरह के लोग आएंगे और सैकड़ों लोगों की भीड़ रहेगी। यहाँ कॉलोनी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हो सकें, हर लोग आ जा सकें। फिर असुविधा के चक्कर में कॉलोनियों के हित में कोई काम नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर साहब लोग भी हैं। पंडा समाज का ऐतिहासिक फैसला, कोरोना वायरस को देखते हुए आम दर्शनार्थियों के लिए माँ विंध्यवासिनी दरबार बंद, झांकी से भी नहीं होगा माँ का दीदार, आरती के बाद रखा जाएगा माँ विंध्यवासिनी का कपाट बंद। विंध्याचल मंदिर बंद करने की बात चल रही है, क्या है ये पूरा? विंध्य पंडा समाज, और हम भी विंध्य पंडा समाज के अंग हैं, और यहाँ के नगर विधायक हैं, दोनों लोग मिलकर देश हित में और राष्ट्र हित में निर्णय लिया कि कोरोना को देखते हुए अग्रिम आदेश तक जब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, ये मंदिर माँ विंध्यवासिनी का बंद रहेंगे। यहाँ के लोग विश्व कल्याण के लिए आराधना स्वतः करेंगे,
और मंदिर के लिए दर्शन के लिए सभी को देश हित में बंद किया गया। कब से मंदिर बंद होगा? नवरात्र भी पास में आ गया है। हाँ, कल से बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? जब तक ये पूर्ण रूप से सुरक्षा यह निर्णय नहीं हो जाएगा कि अब हमारा देश सुरक्षित है, तब तक हम लोग बंद करेंगे। विधायक जी, एक चीज हमें और बताइए कि नवरात्र में काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, तो क्या श्रद्धालु ना आए यहाँ पे? उन लोगों से अनुरोध है कि माँ विंध्यवासिनी का अपने घर से आराधना करें, और जब नवरात्रि बीत जाएगा तो यहाँ आएंगे। कोरोना का अगर एक भी वायरस अगर फैल गया तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, एक तरह से महामारी है, इसको सावधानी बरतना अति आवश्यक है। सबके कल्याण के लिए आप लोग पूजा पाठ भी करेंगे? जी, आज अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और अनुष्ठान सभी यहाँ पंडा समाज के हर व्यक्ति करेगा कि विश्व कल्याण, सबका सुरक्षा हो, यही मां से हम लोग प्रार्थना करेंगे। पूजन के लिए क्या व्यवस्था? आरती पूजन के लिए चारों आरती के लिए श्रृंगार पूजन होगा, फिर पर्दा लग जाएगा। धन्यवाद।